नमस्कार और आप देखते हैं पल पल। अपनी मांगों को लेकर के देशव्यापी जेल भरो आंदोलन का सत्याग्रह के तहत फतेहाबाद में विभिन्न संगठनों ने किया सत्याग्रह। पलटवार भवन में बड़ी संख्या में एकत्र हुए संगठनों के लोग प्रदर्शन मार्च और गिरफ्तारी देने का कार्यक्रम एक पुलिस की मौके पर मौत के कारण बीच में ही रद्द हुआ। प्रशासन की अपील पर स्थगित किया गया है पूरा कार्यक्रम। हालांकि सत्याग्रह में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इसमें CITU सहित अनेक ट्रेड यूनियनें, किसान संगठन, खेत मजदूर यूनियन, देहाती मजदूर सभा तथा इसके अलावा भी कई संगठन शामिल हुए। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ प्रशासन ने कई पुख्ता तैयारियां भी की थी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। देश के किसान संगठनों, खेत मजदूर यूनियनों, ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी फेडरेशनों की जो राष्ट्रीय समिति है उसके आह्वान के ऊपर है पूरे देश के अंदर ये सत्याग्रह जेल भरे, गिरफ्तारी से रोड रोके, रास्ता रोके और आज हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था पूरे देश के अंदर सत्याग्रह, जिसमें देश की 10 तमाम ट्रेड यूनियनें और केंद्रीय मजदूरों की यूनियनें, कर्मचारियों की यूनियनें, 250 के करीब किसान संगठन और हमारी अखिल भारतीय किसान सभा भी इसमें शामिल थी। इस सरकार का जो एजेंडा है वो जनता की समस्याओं के समाधान का नहीं है, बल्कि उनको और बढ़ा करके पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने का है। इसलिए रोजगार के प्रबंध सरकार करे, नरेगा 200 दिन दे, 600 रुपये दिहाड़ी हो, इन अध्यादेशों को रद्द किया जाए, बिजली का जो बिल का संशोधन किया है इसको रद्द किया जाए, कंपनियों को देने का जो फैसला किया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमने ये विरोध प्रदर्शन हमारे यहाँ फतेहाबाद में भी किया है तमाम संगठनों ने मिल करके। और हमने प्रोटेस्ट करना था, एक दुर्घटना होगी मौके के ऊपर ही SI की, SHO की, तो इस वजह से प्रशासन ने, DC साहब ने रिक्वेस्ट किया कि आप प्रोटेस्ट न करो, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पोस्टपोन कर दिया। तो DC साहब ने हमें टाइम दिया कि 11 तारीख को तमाम जन संगठनों के जो नेता है उनसे बातचीत करेंगे जन समस्याओं को लेकर के, तो ये आश्वासन दिया, इसलिए हमने आज का ये जो प्रदर्शन जो करना था हमने यहीं इसको समाप्त कर दिया है। और यदि 11 तारीख को हमारी समस्याओं के ऊपर DC साहब बातचीत करके उनका समाधान नहीं करते तो हम आंदोलन की अगली रूपरेखा आगे तय करेंगे।